स्मार्ट टेलीकॉम आपका अपना चैनल। दोस्तों हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। अब बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिशान है। हाँ, अभी आप कौन सा मोबाइल फ्लैश कर रहे हैं? मैं सैमसंग का GT75S7562 फ्लैश कर रहा हूँ सिंगल फाइल पर। कौन सा टूल से फ्लैश कर रहे हैं आप? मैं ये ओडिन के टूल से फ्लैश कर रहा हूँ। इसमें कितनी कितनी फाइलें आती है सैमसंग के मोबाइल के अंदर? सैमसंग के मोबाइल में 1 फाइल एक आती है और 4 फाइल एक आती है। अभी जो मोबाइल फ्लैश कर रहे हैं वो कौन सा मोबाइल है? ये मोबाइल देखिए S7562 मॉडल नंबर है। तो इसमें हमको जब हम इसको डाउनलोड करें तो कितनी फाइलें दिखी इसमें? हम लोग जब डाउनलोड करें इसमें एक ही फाइल मिली हमको इसमें। तो वो एक फाइल हमें ओडिन टूल में किसमें अपलोड करना है? ओडिन टूल में हमें इसमें एपी में हमें इसे अपलोड करना है। अगर 4 फाइलें आई तो किसमें अपलोड करेंगे? 4 फाइलें आएंगी तो BL में, AP में, CP में, CSC में डाउनलोड करना है। ओके, AP में और कौन सी फाइलें आ सकती है AP की बजाय? AP में देखिए, AP के बजाय हम लोग को कोड नाम की एक फाइल आ सकती है। हाँ, एक और कौन सी आएगी? और एक उसमें PDA की आएगी। और जो दूसरा तीसरा वाला है जो, उसमें कौन सी फाइल आएंगी? तीसरे वाले CP में हम लोग मॉडम की फाइल आएंगी और एक। ठीक है, तो इसका हमें किस तरह से हमें सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश करना है बताइए शुरू से प्रोसीजर, क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ती है उसकी? फर्स्ट हमें मोबाइल चाहिए, केबल वायर चाहिए। ओके, फिर हम सिस्टम पर हमें ओडिन टूल डाउनलोड हो जाने चाहिए और ड्राइवर्स ऑलरेडी आप। ड्राइवर्स कौन से रहेंगे सैमसंग के लिए? सैमसंग के ड्राइवर्स रहेंगे डॉक्टर, तो उसकी फाइल का फॉर्मेट हो गया। सैमसंग के ड्राइवर का नाम बताइए? सैमसंग USB ड्राइवर, बहुत अच्छे। और टूल का नाम? टूल का नाम ओडिन में फ्लैश करेंगे। और फाइल का जो फॉर्मेट होगा वो कौन सा होगा? फाइल का फॉर्मेट होगा .tar। हाँ, बहुत अच्छे। तो अभी जो मोबाइल फ्लैश कर रहे अपन, क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर? इसके अंदर मोबाइल स्टक हो रहा था। ये जो मोबाइल है ये मोबाइल स्टक हो रहा था बहुत, तो कस्टमर का यही कहना था कि बहुत सता रहा है, स्टक हो रहा है, तो फ्लैश करने के लिए आया हुआ है ये। ओके, तो अभी ये फ्लैश होने के बाद में इसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा? हाँ, इसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा क्योंकि फ्लैश हो रहा है ना, फ्लैशिंग बाद में न्यू हो जाएगा। अच्छा, कितने दिन की क्लासेस किए हैं अभी तक आप? अभी मेरा फिफ्थ डे है। सैमसंग के सारे मोबाइल की कर लेंगे फ्लैशिंग? हाँ जी, हाँ कर, फ्लैशिंग कर लेंगे और हार्ड रिसेट भी कर लेंगे। और कौन से मोबाइल की फ्लैशिंग आती है आपको? अभी मुझे लेनोवा की भी आती है, जैसे कि CPU उसमें MediaTek की आती है। ओके, और कौन सा मोबाइल फ्लैश किया आप अभी तक? लेनोवा किया है मैंने, सैमसंग किया है, स्पाइस किया है। और कौन सा किए? माइक्रोमैक्स का हुआ है। और कौन सा किए? और एक SPD मोबाइल का, सैमसंग का B310 जो की है। तो अभी जितने भी आप सीखे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया? हाँ, समझ में। और आईफोन की फ्लैशिंग कर लेंगे आप? हाँ, आईफोन की भी कर लेंगे। और याद है कॉलकॉम का भी सीख गए हो आप? का भी सीख। तो कितने 4 दिन में सारी चीज़ें समझ में आ गई? हाँ, सारी चीज़ें सारे मोबाइल्स के कर लेंगे आप? कर लेंगे। तो कैसा लग रहा है ये काम मोबाइल का आपको, मतलब कैसा लग रहा करने में? मुझे अच्छा लग रहा है मोबाइल का वर्क करने में, ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अच्छा। आसानी है, बस दिमाग लगाना चाहिए। हाँ, तो समझ में आ रहा है आप जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको? हाँ, बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, ये अभी फ्लैश हो चुका है और ये मोबाइल अभी ऑन हो रहा है। देखिए, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड्रॉयड का लोगो आ गया। कर दिए स्पीड का कर मस्ट।
ये इसकी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। चलो, थैंक यू।